हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपन किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी अनियन रिंग। इसके लिए हम आधा कप पनीर लेंगे, जिसे हमने यहाँ ग्रेट किया हुआ है। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक एज पर योर टेस्ट। इन सब को मिलाकर हम अच्छे से एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हम अपनी स्टफिंग को साइड से रख देंगे। यहाँ हमने लिया है आधा कप चीज़, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला या फिर प्रोसेस चीज़। यहाँ हमने दो अनियन यूज़ किए हैं, जिनको गोल काट कर और इनको रिंग में अलग अलग किया हुआ है। अब हम अनियंस को स्टफ करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट या कहीं पर भी अपने अनियंस को सेट करने के लिए रखेंगे। स्टफिंग को लेकर हम अनियन में स्टफ करेंगे। हमें ये हाफ तक ही फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना है। ऐसे ही हम सारी अनियन में फिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। चीज़ ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे स्टफिंग। ऊपर से स्टफिंग को रख कर अच्छे से कवर करें। चीज़ को हमें अच्छे से कवर करना है। हमारे अनियन रिंग्स तैयार हैं, इन्हें साइड से रखेंगे। अब हम इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बर्तन में 3 चम्मच मैदा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर एक घोल तैयार करेंगे। घोल हमें ध्यान रखना है, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसको लगातार चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। घोल हमारा तैयार है। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 ब्रेड का चूरा। एक और प्लेट लेंगे, उसमें हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। अब हम अपने अनियन रिंग्स को स्टफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनियन रिंग को उठाएंगे और उसको सूखी मैदा से दोनों साइड से अच्छे से कोट करेंगे। कोट करने के बाद हम इसको मैदे के घोल में डिप करेंगे। और डिप करके ब्रेड क्रम्स में दोनों साइड से अच्छे से लपेटेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 बार रिपीट करना है ताकि हमारे जो अनियन रिंग्स हैं वो क्रिस्पी बन सकें। चारों तरफ से इसको ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे, साइड से, ऊपर नीचे से। दोबारा इसको मैदे में कोट करेंगे और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे अनियन रिंग्स तैयार करके रख लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे।
तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम अब इसमें ऐड करेंगे हमारे तैयार किए हुए अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स ऐड करने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम कर दें ताकि अनियन रिंग्स दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। अनियन रिंग्स को दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करें। अगर लगे कि तेल ठंडा हो रहा है तो गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पर कर लें। हमारे अनियन रिंग्स तैयार होने वाले हैं, इनको एक बार और पलटकर सेक लेंगे। हमारे चीज़ी क्रिस्पी अनियन रिंग तैयार हो चुके हैं। गैस ऑफ कर दें और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म हरी चटनी व सॉस के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।